सारा पैक कर लिया है क्योंकि आगे बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है मनाली की तरफ। हम लोग पहुँचे हैं अभी मनाली। मौसम का सीन बहुत ख़राब है, आज का भी पूरा ब्लॉग बारिश की भेंट चढ़ने वाला है, कुछ ब्लॉग नहीं हो पाएगा। तो भाई साहब पॉन्ड क्रॉस करने के बाद ना अब जाके ये थोड़ी सी धूप इधर उधर जाके दिखी है, वरना ये तो पूरा दिन तो स्नोफॉल के नाम ही हो गया था। मैंने गोप्रो भी निकाल के रख दिया था, इतना स्नोफॉल हो रहा था। लास्ट कौन कौन से वो पड़े थे, एक नकीला एक लाचुंगला नकीला पास पड़ा था और लाचुंगला वाला था। भाई हिम्मत ही नहीं हुई कि गोप्रो निकाल लूँ वापस, इतना स्नोफॉल हो रहा था और ऐसे वाला हो रहा था जैसे बारिश हो रही हो। ये देखो मतलब स्नो पड़ते के साथ ही पानी, ये देखो ये सारा स्नो का है सर। अभी यहाँ से सरचू रह गया है अराउंड 30 किलोमीटर के आसपास, तो यहाँ पे हम रुके थे क्योंकि बहुत ही सीनिक पॉइंट था पीछे। ये देखो बस एक दो फोटो मुझे बाइक की लेनी थी, ले ली। अब फटाफट से यहाँ से निकलते हैं और सरचू पहुँचते हैं, क्योंकि सरचू पहुँचने में अभी भी 45 मिनट्स के आसपास लग जाएंगे। हालांकि रोड अब अच्छा है तो खींच लेंगे जल्दी जल्दी, अदरवाइज बहुत टाइम लगने वाला था भाई सरचू पहुँचने में। सरचू के बाद देखते हैं और कितना आगे तक जा पाएंगे, कोशिश हमारी पूरी है मनाली तक पहुँचने की। A few moments later. भाई लोग ये वो पॉइंट है जहाँ पे माना जाता है कि 1% फंस गया था सर्दियों के टाइम पे और उसको पानी नहीं मिल पाया था जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। तो यहाँ से गुजरने वाला हर बंदा यहाँ पे एक पानी की बोतल छोड़ के जाता है उसकी आत्मा की शांति के लिए। हमने भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे दिया, चलो अब आगे निकलते हैं, सरचू पहुँचना है। सरचू इज़ अराउंड 30 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। ठीक है भाई, मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया, आपको बता दिया। आप कभी भी इधर से गुजरो सरचू और लाचुंगला नकीला के बीच में स्पॉट पड़ेगा, यहाँ पानी की बोतल छोड़ देना। A few moments later. So right now it's 6:15 at सरचू। सारा पैक कर लिया है क्योंकि आगे बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है मनाली की तरफ, तो इस चक्कर में सब पैक कर लिया है। शक्ल की हालत देखो यार, कितनी बुरी शक्ल की हालत होती है। और ये भाई 3-4 जगह पे अभी बहुत सारी जगह पे बारिश हो रही थी, जैसे तैसे करके आए हैं। आगे सुना है बहुत ही ज़्यादा वाली बारिश हो रही है, इसलिए सब कुछ पैक कर लिया है, रेनकोट वेनकोट डाल दिया है। पैक करना है बस इसको पूरी तरीके से, हेलमेट पहन के निकलना है फटाफट से। ठीक है भाई, अभी तक का ये अपडेट है, देखते हैं। अगर मोस्ट प्रॉब्ली शायद जिंग जिंग बार में हम रुकना पड़े, मगर पहले बार लच्छा पास करना है, बार लचला पास करना है पहले, उसके बाद देखते हैं जो भी होगा। ठीक है, फिलहाल की अपडेट यही है, बारिश और स्नोफॉल के चक्कर में ब्लॉक तो होने वाला भाई, लग जाए बस तो निकलूँ मैं यहाँ से। मनीष जद्द वजहद कर रहा है अपने सामान को मानने के लिए, मैं तो भाई नीचे से ऊपर तक कर दूँ, फटाफट से इसका हो जाए तो निकलते हैं यहाँ से। हाँ जी, तो रात के बज गए हैं 10 और हम पहुँचे हैं केलोंग, जबकि प्रोग्राम था हमारा आज मनाली पहुँचने का, बट मनाली तो हो नहीं पाया भाई, बारिश स्नोफॉल इतना ज़्यादा हो गया था, मतलब बीच में 4 पास पड़े हैं और हर जगह स्नोफॉल हुआ है हर जगह। तो भाई यहीं तक पहुंच पाए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स डे 11 फ्रॉम केलोंग और आज हम निकलने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली शायद रात हो जाएगी क्योंकि अभी टाइम हो रहा है अराउंड 10:30। सुबह से बारिश हो रही थी इस वजह से हम लोग निकले नहीं थे, तो अब निकल रहे हैं। थोड़ी बारिश थम गई है, सब कुछ रेडी है, मनीष जाके अपना सामान सेट भी कर चुका है, नाश्ता भी कर लिया है, परांठे वराठे खा लिए हैं। मैंने वापस से गोप्रो लगा दिया है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। हाँ जी, तो बाइक भी पूरी तरीके से वार्म अप हो चुकी है और गोप्रो मैं नहीं लगा रहा हूँ एज यूजुअल क्योंकि बारिश हो रही है। और हम रुके हुए थे यहाँ पे केलोंग में जामलिंग होटल एंड रेस्टोरेंट, काफ़ी अच्छा स्टे है, इकोनॉमिकल भी है, 600 रुपये में हमें रूम मिल गया था। हमने मतलब जितने भी रूम मिले हैं अभी तक वो अराउंड 500-600 में ही मिले हैं सारे के सारे, चाहे लद्दाख की बात हो चाहे कश्मीर की बात हो, सब इतने के ही मिले, तो इकोनॉमिकल रहा काफ़ी।
बाकी यार मैंने रेन पैंट्स डाल ली हैं, अभी ऊपर का भी रेनकोट डाल लेता हूँ और निकलते हैं यहाँ से। ग्लव्स शायद मैं नहीं पहनूंगा क्योंकि मेरे लेदर ग्लव्स हैं, पानी रिसेगा अंदर, तो शायद मैं ग्लव्स ना डालूं क्योंकि मैंने रात को अपने तुमने नहीं पहन रखे, कोई बात नहीं, इसने ग्लव्स के अंदर सर्जिकल ग्लव्स पहन रखे, मैंने रात को अपने सर्जिकल ग्लव्स फेंक दिए थे क्योंकि वो फट गए थे यहाँ से हाथ से। फिलहाल यही है कहानी। सो आफ्टर 2 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस राइडिंग हम लोग पहुँचे हैं अभी मनाली फ्रॉम केलोंग, और अभी हम लोग यहाँ से कंटिन्यूसली चलते हैं, निकलते हैं। सो कोशिश तो यही है कि आज चंडीगढ़ पहुँच जाएँ रात को और कल दोपहर तक घर पहुँच जाएँ दिल्ली। अभी तो भाई मौसम कुछ बहुत ही मौसम का सीन बहुत ख़राब है, आज का भी पूरा ब्लॉग बारिश की भेंट चढ़ने वाला है, कुछ ब्लॉग नहीं हो पाएगा, गोप्रो में बिल्कुल भी नहीं निकालने वाला ऐसे मौसम में बाहर। बस यही है कि चीज़ें भीगे ना, ख़राब ना हो, पहुँच जाएँ हम सही सलामत धीरे धीरे। 35-40 ही चल पा रहे हैं क्योंकि भाई देखो डाउन हिल है, डाउन हिल पर क्या होता है कि डाउन हिल पर एक तो बारिश, ऊपर से डाउन हिल, हल्का सा भी ब्रेक इधर उधर हुआ गिरने के चांसेस बने रहते हैं। मनीष वहाँ रेस्ट कर रहा है पीछे, और ये पहली बार भीगे हैं मेरे ग्लव्स, तो कलर छूट गया इनका, हाथों पे आ गया पूरा का पूरा। तो अभी तो ये कहानी है, बाकी मनाली का थोड़ा बहुत सीन देख लो। तो भाई यहाँ मोनेस्ट्री के जस्ट सामने खड़ी हुई हैं बाइक्स, अभी मैं चेक कर लेता हूँ टैंक बैग में पानी ना जा रहा हूँ बस, क्योंकि सारा व्लॉगिंग का सामान टैंक बैग के अंदर ही है। वैसे तो इसके ऊपर मैंने कवर चढ़ा रखा है रेनप्रूफ कवर, बट क्या पता नीचे की साइड से जा रहा हूँ।